जम्मू कश्मीर में बुधवार को मशहूर टूरिस्ट पैलेस गुलमर्ग में अवलांच आया और इसकी रिसॉर्ट इस चपेट में आ गया। हिमस्खलन हादसे में पोलैंड के दो टूरिस्टों की मौत हो गई है और जबकि 19 विदेशी नागरिकों को बचाया गया। जानकारी के अनुसार हिमस्खलन की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और अभी कहा नहीं जा सकता है कि बर्फ़ में कितने लोग दबे हुए हैं। बताया जा रहा है कि एवलॉन्च की चपेट में आए लोग हादसे के दौरान ढलान पर थे। एवलॉन्च में मरने वाले दोनों पोलिश नागरिकों के शव बरामद हो गए हैं और उन्हें मेडिको लीगल प्रोसेस के लिए अस्पताल ले जाया गया है। एवलॉन्च के वक्त के वीडियो भी सामने आए हैं।